हमने अब तक नॉवेल राइटिंग के बारे में जो कुछ भी सीखा और सिखाया, आशा है कि आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। हमारे पिछले सभी लेसन्स जैसे प्लानिंग, प्लॉटिंग, डायलॉग राइटिंग, कैरेक्टर स्केचिंग आदि, ये सब राइटिंग के इंटरनल एलिमेंट्स हैं और इन सब का होना एक नॉवेल को पॉपुलर बनाता है। पर क्या आपने कभी इसके बाहरी परत के बारे में सोचा है? जब आपकी नॉवेल पब्लिश होकर रीडर्स के सामने जाती है तो वो सबसे पहले आपके नॉवेल का फॉर्मेट देखते हैं। जिस तरह खाने में स्वाद के साथ साथ सुंदरता भी ज़रूरी होती है, उसी तरह नॉवेल राइटिंग में यूज़ होने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ साथ उसका फॉर्मेट और प्रेजेंटेशन भी ज़रूरी होता है। आज के लेसन में हम आपको बताएंगे कि आपके नॉवेल का प्रेजेंटेशन किस तरह का होना चाहिए। आमतौर पर जब आप पेपरबैक के लिए अपनी कहानी या स्क्रिप्ट सबमिट करते हैं तो पब्लिशर्स और एजेंट्स के द्वारा प्रोवाइड किया गया स्पेसिफिक लेआउट और डिज़ाइन आपको फॉलो करना पड़ता है, जैसे उसका फॉन्ट टाइप और साइज कितना होना चाहिए, स्पेसिंग या मार्जिन कितनी रखनी है, चैप्टर हेडिंग कैसे होगा और पेज नंबरिंग कैसे करनी है, एट्सेट्रा। ये इसलिए स्पेसिफाइड किया जाता है ताकि सही फॉर्मेट यूज़ होने के वजह से आपके रीडर्स को पढ़ने में कभी भी कोई दिक्कत ना आए और आपका लिखा हुआ स्क्रिप्ट देखने में खूबसूरत और आकर्षित लगे। तो चलिए इसको और डिटेल में जानते हैं कि डिजिटल नॉवेल राइटिंग में आपका प्रेजेंटेशन या मैन्यूस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले आता है फॉन्ट टाइप एंड साइज। कुछ एप्लीकेशंस मैन्यूस्क्रिप्टिंग के लिए अपना स्पेसिफिक फॉन्ट यूज़ करते हैं, तब शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे बात करते हैं पॉकेट नॉवेल रीडर्स ऐप की, यहाँ पे लिखने के लिए आपको कोई फॉन्ट साइज चूज़ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर ये आपके लिए पहले से ही स्पेसिफाइड कर दिया गया है, पर आप बोल्ड और इटैलिक यूज़ कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए बोल्ड और इटैलिक फॉन्ट टाइप को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। गैप बिटवीन टू लाइन्स, लाइन्स के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 इंच का गैप रखना सही होता है, बट पॉकेट नॉवेल ने इसे आसान बनाने के लिए गैप को पहले से ही स्पेसिफाइड किया हुआ है, तो यहाँ भी आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रॉपर यूज ऑफ स्पेसिंग फॉर डायलॉग, नरेशन एंड सीन ब्रेक्स। जब दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच बातचीत हो रही हो, तब हर डायलॉग्स के बीच गैप रखें और डायलॉग्स लिखने के लिए हमेशा अलग लाइन का प्रयोग करें। जैसे अर्चना ने कहा, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे। रवि ने कहा, तुमने समझने का मौका ही कहाँ दिया था मुझे। अर्चना की दोस्त रेशमा ने दोनों को समझाते हुए कहा, प्लीज़ ऐसे मत लड़ाई करो और आराम से बैठकर बात कर लो, आखिर तुम दोनों पति पत्नी हो। इस तरह डायलॉग की फॉर्मेटिंग कभी ना करें, बजाय इसके आप ऐसे लिख सकते हैं कि अर्चना ने कहा इन्वर्टेड कॉमा, तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाओगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। रवि ने कहा, तुमने समझने का मौका ही कहाँ दिया था मुझे। अर्चना की दोस्त रेशमा ने दोनों को समझाते हुए कहा, प्लीज़ ऐसे मत लड़ाई करो और आराम से बैठकर बात करो, आखिर तुम दोनों पति पत्नी हो। नरेशन में अगर नरेटिव पार्ट एंड होने वाला है और आप किसी डायलॉग को लिखने जा रहे हैं, तब वहाँ अलग लाइन का यूज़ करें। जैसे यहाँ पे पहले भाग में नरेशन है, जहाँ डायलॉग आई है वहाँ से पैराग्राफ चेंज कर दिया गया है और साथ ही डायलॉग को इन्वर्टेड कॉमा में भी रखा गया है। इससे पढ़ने वाले को आसानी होती है और फॉर्मेटिंग खिचड़ी की तरह नहीं लगती, बल्कि साफ और स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वैसे ही सीन ब्रेक्स में आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक सीन से दूसरे सीन में जंप करने वाले हैं तो वहाँ भी आपको स्पेस या गैप छोड़ना है, या दूसरे सीन की शुरुआत किसी हेडिंग से कर सकते हैं ताकि रीडर को क्लियर रहे कि अभी कहानी अगले सीन पर आ चुकी है। हेडिंग की बात छिड़ ही गई है तो इसे भी डिटेल में समझ लेते हैं।
हेडिंग का यूज़ किसी स्पेसिफिक जगह, दिन या ओकेशन जैसों के लिए कर सकते हैं, जैसे बनारस का घाट, सुबह का समय, महादेव के मंदिर, ताज होटल, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कपूर मैंशन। इस तरह समय और जगह को आप हेडिंग में रख सकते हैं। चैप्टर नेमिंग एंड नंबरिंग। मैनुस्क्रिप्ट फॉर्मेटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है चैप्टर नेमिंग। ध्यान रहे, आपकी चैप्टर नेमिंग अट्रैक्टिव और क्वेश्चनेबल होनी चाहिए। इस तरह चैप्टर नेमिंग करने पर रीडर्स और भी ज़्यादा उत्सुक होते हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर को खोलकर पढ़ने के लिए। कुछ लोग चैप्टर नेमिंग ब्लैंक छोड़ देते हैं। अरे भाई, अगर आप रीडर्स को बताएंगे ही नहीं कि किस तरह कि इस चैप्टर में होने क्या वाला है, तो उन्हें पता कैसे चलेगा और वो उसे खोलकर क्यों पढ़ेंगे भला। जैसे हमारे इस नॉवेल के चैप्टर नेमिंग पे जरा गौर फरमाइए। चैप्टर में जो भी इंटरेस्टिंग या धमाकेदार ड्रामा हो रहा है, उसी से रिलेटेड चैप्टर्स के नाम रखें। जैसे आज अभय काशी को किस करने वाला है, तो चैप्टर का नाम होगा एंग्री अभय किस्ड काशी। और याद रहे, चैप्टर नेमिंग करते समय आप एक ही फॉर्मेट फॉलो करें, या तो पूरे इंग्लिश में करें या देवनागरी में, दोनों का मिक्सचर ना बनाएं। चैप्टर नंबरिंग की बात करें तो कहानी के चैप्टर्स को सीक्वेंस वाइज ही डालें। डायलॉग्स अंडर इन्वर्टेड कॉमा। हर डायलॉग्स को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखें। इससे ये स्पष्ट रहता है कि कौन सा पार्ट नरेशन है और कौन सा डायलॉग है। जैसे पूजा ने कहा, आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, असाइनमेंट सबमिट करनी है। यूजेस ऑफ बोल्ड एंड इटैलिक फॉन्ट फॉर एनी स्पेसिफिक फॉन्ट। किसी घटना या गंभीर डायलॉग या नाम, जगह, तारीख आदि को हाईलाइट करने के लिए आप बोल्ड फॉन्ट का इस्तेमाल करें। और अगर किसी की कही गई बातों को वापस से दोहराया जा रहा है, तो उसे आप इटैलिक में रख सकते हैं। जैसे, तुम्हें पता है सीमा ने आज क्या कहा? उसने गुस्से में कहा, मैं इस बार उसे मेरे काम में टांग नहीं अड़ाने दूंगी और उससे अच्छे से मजा चखाऊंगी।